दूरे हाँ साइड पे सब बैठो साइड गौर पड़ी हुई तेरी बनानी ना ये लाइसेंस बनानी मामा संकट चलो बेटा ये लाइसेंस बनानी बड़ा लाइट भी भाई टाइम में बैठ ओ भगवान बुरे ना पत्थर पुत्र टोली डाली से बुझी जाओ भगवान मुख वाला इब्बे बड़े पत्थर और लाग बैंदा है ओ मेरी आज ये तोर बे हटा दा हटा दा इन्ना बोला हटा प्लीज साइड हटा साइड रोड बदल गया नदी में नाली में बदल गया रोड रोड ब्लॉक बाढ़ आने वाली है सोनी के रंग रूप देखिए और एक को यहाँ नींद नहीं पूरी हो रही है बाढ़ आने वाली ऊपर से चलो हट चलो यहाँ सोनी ने लाइट कर दी है जाने के लिए उड़ना चाहिए रास्ता मार को दिखना चाहिए और यहाँ देखो शालिनी का बैग पैक करके रख दिया दिखाओ इसने डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें डाल के रखे है ये जब भागेगी तो बोला ये चीजें लेके जाएगी शालिनी का दिमाग जो है ना वो सबसे अलग है बहुत तेज ओए शालिनी का बैग लेके भाग रहा अपनी पैकिंग करो परे सामान सोनी अगर गलम जिंदा बच गए तो इस बैग की अनबॉक्सिंग होगी तो दिखाएंगे हम इसको क्या क्या था इसमें सच में दिखाएंगे क्या क्या है सो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ इस रात मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी 4 से 6 बजे तक और पूरी रात नींद नहीं आ रही थी क्योंकि नदी की जो आवाज़ें थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी ना उस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी बाकी सब तो सो गए थे शालिनी थोड़ा पूरा जागी हुई थी मेरे साथ बाकी तो सारे घोड़े बेच के सो गए थे गाइस हम सारे इकट्ठे सो गए क्योंकि हमारे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोनी अपना बैग लेके आई है देखिए दूसरा बैग आप देख सकते हैं ये सोनी का बैग है इसने थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट लाए हैं क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है रात में अब अपना बिस्तर भी यहाँ को लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर सोएंगे कौन सोएगा किसको पतला धरने लगेगा नीचे और इसके बाद सुबह उठते ही जो हमने देखा देख के सबके होश उड़ गए इससे पहले तक तो सब कुछ ठीक था बट इसके बाद जो हमारे हाल हुए ना वो मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं सुबह सुबह चैन से सोने ही क्या गई थी अपने रूम ऊपर से लोगों ने सीटियाँ मारी और हम छत पे चले गए और जो हमने देखा वो आप सभी देख लो अभी यहाँ देखो भाई मर जाएंगे कभी भी यहाँ सब लोगों पे हमारे सीधा लाइट हो चुका है कहाँ जाएंगे मर जाना वही हमने कभी भी मर सकते हैं हम कोई पता नहीं है वही चल पड़ा आगे जाओ ए ए ए पूरा खींच के दा हाँ सारे पेड़ खींच गएंगे यहाँ पर जो जो भी आप कुर्सी यहाँ देखो खतरा खतरा वेरी खतरा मेरी गुड़िया की मरना है सूरज मरना है सब खतरा जिंदगी रही तो वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे अदरवाइज बाय बाय करना पड़ेगा जिंदगी को और आज के दिन तो पूरा दिन हम सभी ने छत पे इतने चक्कर मारे इस मिट्टी को देखने के लिए कि कहीं नीचे ना आ रही हो ज़्यादा और मौत से लड़ने के बाद यहाँ पर लड़कियाँ झाड़ू मार रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था और यहाँ पर हमारी सोनी जी निखार आ गए अब क्योंकि जिंदगी मिल गई है और यहाँ पर सुषमा जी भी सुषमा जी भी
आपको पता है सॉरी मरते मरते मेकअप कर रही थी मेकअप इसलिए मुंह में क्या क्या मेकअप किया आप देख ही सकते हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं लगाया कस्टम से है हमने देखा आपको फोटो डाल देंगे हम आपको मेरे चेहरे पर निखार लग रहा है लग रहा है लग रहा है मेकअप किया था इन्होंने और देखो भाई ये देखिए मरने से पहले ये लगा रही थी इन्होंने भी लगाया कहा लगाया यहाँ देखो पहले जैसे लगाए थे बोले मरने जा रहे बोले थोड़े थोड़े मेकअप करके इस दवाई को और ऊपर से एक मलबा आ रहा था उस दवाई को और यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से देखिए और परे तो पन्नी ना जाने कितनी जगह आ रहा है तो सोच सकते हैं आप कैसे बच गए हम। सबसे बड़ी बात हम सभी सेफ है और ये बारिश सिर्फ आधे घंटे के लिए रुकी हुई थी आधे घंटे के लिए ये मौसम बिल्कुल फ्रेश हो गया था बट इसके बाद फिर से दिन भर जैसी बारिश लगी हुई थी ना वैसे ही फिर से लग गई बट रात को थोड़ी सी थम गई थी बारिश तो उस कारण हमें थोड़ी पूरी नींद आ गई थी बट पीछे वाले उसके आने का डर तो इस दिन बना हुआ ही था उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा खतरा था। तो जी बस ये थी छोटी छोटी वीडियोस जो मैंने उन दो दिनों में बनाई थी मैंने ये ब्लॉग के मोटिव से ज़रा भी नहीं बनाई थी मैंने अपने याद के तौर पर बनाई थी तो अभी मुझे लगा मैं आप सभी से इन वीडियो को शेयर करूं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कुल्लू मनाली में इस बाढ़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है हर जगह आप जाएंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ तबाही देखने को दिख जाएगी। सो आप सभी होप करना कि कुल्लू मनाली में ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से जल्द से सब कुछ ठीक हो जाए और लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। और लोगों से मैक्सिमम मेरे को सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कुल्लू मनाली के लोगों ने बहुत ज़्यादा पाप किया है तो इस अफवाह से दूर रहे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ये कुदरत का क्या है जो प्रकृति का नियम है कुछ भी हो सकता है। तो जी सभी सेफ रहे हम तो यही दुआ करते हैं आप सभी भी दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द। बाय गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।